अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते ठीक होंगे। आज आप लोगों की टॉप से फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। इस तरह से टॉप को मैंने कटिंग कर लिया, 14 इंच इसकी लेंथ रखा, मुड्डा जैसा था वैसे रख दिया, कटिंग कर लिया। आप अपने हिसाब से रखिएगा, मैंने गला को ऐसा ही रख दिया। अगर गला छोटा करने की तरीका चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिएगा, गला की तरीका आपको बताऊंगी। सबसे पट्टी काट लिया, पट्टी पास 3 में रख के अटैच करके दिखाऊंगी। अच्छा से अटैच कर लिया, अच्छे से सिलाई लगा लिया। देखिए कितनी फिनिशिंग से लगा लिया। खाली आस्तीन लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा पट्टी लगा ली, फिर साइड से इस तरह से सिलाई लगा लीजिएगा। सिलाई लगा लिया, आस्तीन लगा के दिखाऊंगी। सामने की साइड थोड़ा सा कटिंग कर लीजिएगा, पीछे की साइड ऐसे रहने दीजिएगा। मैंने पाइपिंग लगा लिया, इस कपड़ा की लेंथ 20 इंच ले लिया, इस तरह से सिलाई लगा लिया। अब अपने हिसाब से रखिएगा, जितना चुन रखिएगा उतना कपड़ा लीजिएगा। मैंने इसकी चौड़ाई 20 इंच रखा, लंबाई मैंने 30 इंच रखा। नीचे से सिलाई लगा लिया, बीच में पाइपिंग लगा लिया। नीचे की पार्ट तैयार हो गया, चुन लगा लिया, चोली के हिसाब से चुन लगा लिया। जितनी चोली है उसकी नाप के हिसाब से चुन लगा लिया। चोली को इसके साथ अटैच कर दूंगी, चोली को इसके साथ अटैच करके दिखा दिया। देखिए इस तरह से मैंने डेकोरेट कर लिया। मेरे पास बेल्ट थी, बेल्ट लगा लिया। अब कुछ भी लगा सकते हो, प्लेन कपड़ा लगा सकते हो, पर्पल कलर के नीचे प्लेन कपड़ा लगा सकते हो। मेरे पास चिकन थी तो मेरे चिकन लगा के दिखा दिया, फैंसी में आ गया ये। आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। पूरा बन के तैयार,